Hello students, welcome to my class. This is Manish Kumar Nema from Government Excellence School, Damo. In this class, we are going to learn about the lesson number 5, Footprints Without Feet by H.G. Wells, part 2nd from your supplementary reader. इसके पहले वाले वीडियो में आपने पार्ट 1st पढ़ा था, जिसमें कुछ पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिए थे. फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि दो बच्चे हैं जिन्होंने मडी इम्प्रिंट्स देखे हैं और उनका वो पीछा कर रहे हैं, और पीछा जब तक वो उन फुट प्रिंट्स का करते हैं तब तक वे फुट प्रिंट्स ओझल या गायब हो जाते हैं. इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रेफिन नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने एक ड्रग को डिस्कवर किया और उस ड्रग को उन्होंने स्वयं पी लिया, जिससे वे इनविजिबल हो गए. और इनविजिबल होने के बाद वो एक लॉलेस पर्सन में भी तब्दील हो गए. लॉलेस पर्सन मतलब लॉ यानी कानून को नहीं मानने वाले जो लोग होते हैं उन्हें लॉलेस पर्सन कहते हैं. और फिर उन्होंने लॉलेस होकर के अपने लैंडलॉर्ड जो उनका मकान मालिक था उसके घर में आग लगा दी, और आग लगाने के बाद वो वहां से भाग गए. अब देखते हैं हम पार्ट 2nd में आगे का टेक्स्ट. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. He escaped easily. वो आसानी से बच गए उन बच्चों से. Who followed his footprints, जिन्होंने पीछा किया था ग्रेफिन के फुटप्रिंट्स का लंदन में. But his adventure were by no means over. परंतु अभी उनके कारनामे, या his मतलब ग्रेफिन जो साइंटिस्ट थे, परंतु उनके कारनामे अभी खत्म नहीं हुए थे. यहाँ फ्रेज भी आप देखिए, यहाँ फ्रेज का यूज हुआ है by no means. यहाँ मैंने कुछ मतलब बताया है by no means का क्या मतलब है. By no means एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है not at all, यानी बिल्कुल भी नहीं, या इसको हम no way भी कह सकते हैं, या हम on no account भी कह सकते हैं. मतलब उनके कारनामे अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए थे. ये ओवर फ्रेज है. ओवर फ्रेज से हम किसी चीज का खत्म होना बताते हैं. जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल इज ओवर इन माय बाइक. आपका चैप्टर समाप्त हो गया या खत्म हो गया, योर चैप्टर इज ओवर. ठीक. और आप कौन बनेगा करोड़पति में भी सुनते होंगे, जब अमिताभ बच्चन कहता है कि आपका समय खत्म हो गया, तो वो कहता है योर टाइम इज ओवर नाउ. तो इसी तरह ये ओवर जो है किसी चीज का खत्म होना बताता है. और जो वाई नो मीन्स है ये एक फ्रेज है. फ्रेज मतलब होता है एक से ज्यादा शब्द. मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड द फ्रेज इन इंग्लिश. तो उनके कारनामे अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए थे. ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स. और ग्रेफिन ने बड़ा ही बेकार समय चुना था उस साल का टू वॉन्डर, यानी घूमने के लिए, स्ट्रॉल करने के लिए. वॉन्डर अबाउट मतलब होता है टहलना. वंडर अबाउट मतलब होता है यहाँ वहां टहलने के लिए. लंदन में ये बड़ा ही बुरा समय चुना था उन्होंने विदाउट क्लॉथ्स, यानी बिना कपड़ों के घूमने का. इट वॉज मिड विंटर. और ये मिड विंटर थी, मतलब मध्य शीत कालीन समय था, जिसमें जो ग्रेफिन नाम के साइंटिस्ट हैं वो बिना कपड़ों के घूम रहे थे. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स. और जो हवा थी बहुत ही बिटरली मतलब टू मच, बहुत ही ठंडी थी. एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स. और ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, ये एक स्ट्रक्चर आया है. ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स का जो मतलब है, इसका मतलब है नहीं रह सकना, किसी चीज के बिना नहीं रह सकना. जैसे यहाँ लिखा है ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, कि वो कपड़ों के बिना नहीं रह सकते थे. अब जैसे इस स्ट्रक्चर का यूज हम दूसरे फॉर्म में करें कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, तो आई कुड नॉट डू विदाउट लॉफिंग. मैं रसगुल्ले खाए बिना नहीं रह सकता, आई कुड नॉट डू ईटिंग रसगुल्ला. तो यहाँ पर आई कुड नॉट डू का स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर डू मतलब करना नहीं है. आई कुड नॉट डू एक फ्रेजल स्ट्रक्चर ही समझ लीजिए, जिसमें किसी चीज के बिना हम नहीं रह सकते, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, मतलब गलियों में यहाँ वहां
टहलने की बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। और फिर ग्रेफिन ने डिसाइड किया कि वो किसी लंदन के बड़े स्टोर में जाकर स्लिप मतलब घुसे या चले जाए, जिससे ताकि उन्हें वो गर्मी मिल सके। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद का समय आ गया था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही सारे डोर्स बंद कर दिए गए, ग्रेफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रेगार्ड टू एक्सपेंस। और जैसे ही दुकान के सारे दरवाजे बंद हो गए, ग्रेफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, यानी कपड़े पहनने का सुख, और फीडिंग यानी खाने का सुख उन्हें मिला विदाउट रेगार्ड टू एक्सपेंस, बिना खर्च की परवाह किए बिना। मतलब दुकानें बंद हो गई थी, उनसे कोई कुछ मांग नहीं रहा था। यहाँ विदाउट रेगार्ड का मतलब होता है परवाह किए बिना, ये जो आप देख रहे हैं विदाउट रेगार्ड टू एक्सपेंस, मतलब बिना खर्च की परवाह किए बिना उन्हें बड़ा कपड़े पहनने का सुख और खाने का सुख मिला। He broke upon open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उन्होंने जो डब्बे वहां रखे थे दुकान के अंदर, उनको खोला, उनको तोड़ा, और fitted himself out, और fit out मतलब होता है to decorate, और अपने आप को सुसज्जित कर लिया गर्म कपड़ों से। Soon with shoes, और जल्द ही with shoes यानी जूतों के साथ, an overcoat, overcoat के साथ, and a wide brimmed hat, और एक बड़ी सी टोपी के साथ, he became a fully dressed and visible person. वो फिर से बन गए एक fully dressed मतलब पूरे कपड़े पहने हुए and visible person एक दृश्यमान व्यक्ति। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee. और जो किचन था रेस्टोरेंट का, उनमें उनको cold meat and coffee, ताजा मांस उन्हें मिला, कॉफी मिली। And he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery stores. और उन्होंने follow up मतलब जो यहाँ follow up का use हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने उस चीज का आनंद उठाया sweets के साथ, wine के साथ, taken from the grocery जो उस किराना store से ली गई थी। Finally he settled down to sleep on a pile of quilts. और अंततः he settled down, उन्होंने अपने आप को settle कर लिया, सो गए मतलब वो, टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स। यह पाइल का अर्थ देखिए, जब एक के ऊपर एक चीज हम कोई रख देते हैं, जैसे किताबें हैं, ये देखिए क्विल्स मैंने यहाँ पिक्चर लगाई हुई है, तो ये पाइल कहलाती है। और ढेर को इंग्लिश में हीप कहते हैं, HEAP, जैसे अनाज का ढेर है तो हीप ऑफ ग्रेन, कचरे का ढेर है तो हीप ऑफ गार्बेज। तो जो ढेर होता है उसको हम इंग्लिश में हीप कहते हैं, और जो पाइल होता है उसमें हम वस्तुओं को एक के ऊपर एक रखकर जमा देते हैं। तो रजाई को इंग्लिश में कहते हैं क्विल्स, और पाइल कहलाता है वो छल्ली जो हम एक के ऊपर एक रख के सामान की लगा देते हैं। तो ग्रेफिन अब एक रजाई की जो छल्ली सी बनी थी उस पर सो गए। If only Griffin had managed to back up in good time, all might have been well. यह कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग हुआ, इफ से स्टार्ट है। If only Griffin had managed to wake up in the good time, all might have been well. यदि ग्रेफिन समय पर उठ गए होते, अच्छे समय पर उठ गए होते, all might have been well, तो सब सही हो जाता। As it was, क्योंकि he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. He did not wake up, वो तब तक नहीं उठे जब तक कि उस दुकान के जो असिस्टेंट थे, सहायक थे, दूसरी सुबह आ नहीं गए। When he saw a couple of them, और उनमें से कुछ लोगों को जब ग्रेफिन ने देखा अप्रोचिंग, पहुंचते हुए अपने पास, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, वो घबरा गए और भागने लगे। दे नेचुरली गैप चेस, स्वाभाविक रूप से उन सभी लोगों ने गैप चेस का यहां पर मतलब है पीछा करना, इसको हम फॉलो भी कह सकते हैं या परस्यू भी कह सकते हैं या एनस्यू भी कह सकते हैं। चेस यानी होता है पीछा करना। They naturally gave chase. तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनका पीछा किया ग्रेफिन का। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और अंत में वे तभी बच पाए जब एक एक करके उन्होंने क्विकली बहुत जल्दी जल्दी अपने नए जो कपड़े उन्हें मिले थे उन्हें उतारना शुरू किया।
सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और एक बार भी फिर कैसे हो गए, इनविजिबल हो गए, अदृश्य हो गए, बट नेग्ड, परंतु वे बिना कपड़ों के हो गए, उनके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, नेग्ड इन द चिल जनवरी एयर, और जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में एक बार फिर वो नेग्ड हो गए, क्या करने के लिए, इनविजिबल होने के लिए, ताकि वो किसी को दिखाई ना दे, क्योंकि जब तक उनके शरीर पर कोई कपड़ा होता था तो वो विजिबल करते थे, लेकिन जैसे ही सारे कपड़े निकाल देते थे वो नेग्ड हो जाते थे, तो उन्हें कोई नहीं देख पाता था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थेरेटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। अब इस बात को उन्होंने पूरा निश्चय किया, डिसाइड किया, तय किया, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थ्रेटिकल कंपनी, कोई नाटकी कंपनी के स्टॉक में जाकर के, इस आशा के साथ कि वहां पर उनको कुछ ऐसे कपड़े मिलेंगे, बट ऑल्सो समथिंग दैट, और कुछ ऐसा भी उनको मिल जाएगा, वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, जो उनके खाली जो जगह होती है उनके कंधों के ऊपर जो दिखाई देती है, उससे वो उसे छिपा सके। Shivering with cold, he hurried to Dury Lane. और कांपते हुए ठंड में ही हरीड, वो दौड़ पड़े टू डूरी लैन, ये डूरी लैन लंदन में है, तो वहां पर वो भाग कर पहुंचे। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो केंद्र था पूरे दुनिया के नाटक की, नाटकी जो थिएटर थिएटर थे वहीं पर स्थित थे डूरी लैन में। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, और जल्दी उन्हें एक अच्छी सी दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे, उन्होंने अपना रास्ता बनाया, इनविजिबल अदृश्य होते हुए, अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर बियरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, और अपस्टेयर्स वो ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, एंड केम आउट, थोड़ी देर बाद वो निकल आए, अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, बियरिंग बैंडेजेस, बियरिंग मतलब पहन करके, बैंडेजेस पट्टियां, अराउंड हिज फोरहेड, अपने माथे में पूरी गर्दन पे चारों ओर उन्होंने बैंडेजेस बांधी, डार्क ग्लासेस, और उन्होंने बढ़िया डार्क ग्लासेस पहने, फॉल्स नोज, और एक नकली नाक भी लगा ली अपने चेहरे पर, बिग वुशी साइड विस्कर्स, और बड़ी बड़ी मूछें, विस्कर्स मतलब होता है मूछ, यहाँ पर मैंने दिया है मूछों को हम मास्टर्स भी कहते हैं, और ये विस्कर्स भी इसका सिनोनिम्स है, और मूछें भी लगा ली, एंड अ लार्ज हैट, और एक अच्छा बड़ी सी उन्होंने टोपी लगा ली, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और वो इस चीज से निकले वहां से बच के कि उन्हें कोई देखे ना, ही कॉलसली अटैक्ड, और उन्होंने बड़े ही बेदर्दी से अटैक्ड यानी हमला कर दिया द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, वो उस दुकानदार के ऊपर जहां से उन्होंने कपड़े अपड़े पहने थे, थिएटर का शॉपकीपर था जो, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उन्होंने सारा कुछ वो पैसा लूट लिया और शॉपकीपर के पास जो कुछ उन्हें मिला। ये हमारा पेज नंबर जो है, ये हमारा पेज नंबर बुक का जो है 28 है, और इसके बाद हम आगे के पेज पर चलेंगे, रीड एंड फाइंड आउट। अब आगे के पेज पर चलने से पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी, तो क्या वो घटना हुई स्टडी रूम में, वो भी हमें पता चलेगा आगे के पेज पर। व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, और इन मतलब सराय, धर्मशाला में कौन कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटनाएं हुई, चलिए चलते हैं हम आगे देखते हैं। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, अब बहुत ही उत्सुक हो गए थे भागने के लिए फ्रॉम क्राउडेड लंदन, जो भीड़ भरा लंदन का इलाका था वहां से भागने के लिए बहुत ईगर थे, कौन, ग्रैफिन। He took a train to the blaze of Iping. उन्होंने ट्रेन पकड़ी जो Iping गांव की तरफ जा रही थी। Where he booked, और वो वहां पहुंचे। Where he booked two rooms at the local inn, और जाकर के उस गांव में Iping में उन्होंने एक local inn मतलब एक सराय और धर्मशाला थी वहां पर, ठीक है, तो वहां दो रूम बुक किए। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. तो एक अजनबी का आगमन होना
सराय में विंटर के समय में वॉज इन एनी केस हर हालत में क्या था एक अनयूजुअल इवेंट था बड़ी असामान्य सी घटना लगी कि विंटर के समय पर सराय में कैसे कोई अजनबी आया अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस और एक ऐसा स्ट्रेंजर जो इस प्रकार का असामान्य रूप रखे हुए वेशभूषा रखे हुए सेट ऑल टंग्स वैगिंग उसने चर्चा पैदा कर दी और टंग्स वैगिंग ये टंग्स वैगिंग शब्द होता है गॉसिपिंग मतलब लोग एक दूसरे से क्या करने लगे इंटरेस्ट से चर्चा करने लगे टू टॉक इंटरेस्टिंगली टू समवन एक दूसरे से वन अनदर एक दूसरे से चर्चा करने लगे कि भाई क्या है इतना अपीयरेंस अनकॉमन ये व्यक्ति लिए है मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ अब यहाँ आप नए कैरेक्टर से जुड़ रहे हैं जो है मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मकान मालिक की पत्नी थी उस इन में जो मकान मालिक थे उनकी पत्नी थी मिसेस हॉल मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली उन्होंने पूरा प्रयास किया कि भाई उससे मित्रवत हो जाए जो नया उनके स्ट्रेंजर आया था इन में बट ग्रेफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर परंतु ग्रेफिन की कोई भी इच्छा नहीं थी उनसे बात करने की और उनसे कुछ बताने की My reason for coming to IP is a desire for solitude. उन्होंने कहा inverted comma में direct speech है जहाँ पूरे के पूरे जो आप देख रहे हैं ये inverted शुरू है inverted यहाँ खत्म है ये direct जो है ये Griffin के words हैं. My reason for coming to IP is a desire for solitude. मेरा IP आना मेरी इच्छा है कि मैं एकांतवास में रहूँ. I don't wish to be disturbed in my work. मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में बाधा उत्पन्न करे. Besides, इसके अलावा, an accident has affected my face. और मैं ये भी बता दूं कि एक दुर्घटना में मेरा ये जो फेस आप देख रहे हैं बैंडेजेस से ये प्रभावित हो गया है. Satisfied that her guest was an eccentric scientist. अब इस बात से संतुष्ट होकर के कि जो उनका मेहमान था वो एक सनकी वैज्ञानिक था. Eccentric का हमने मतलब दिया crazy. And in view of the fact और इन व्यू ऑफ द फैक्ट और यह बात देख करके दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस कि उसने जो पैसा है वो एडवांस में दे दिया था मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेंपर मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज तो मिसेस हॉल सब भूल गई उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स को जो उसकी विचित्र हरकतें थी उनको और इरिटेबल टेम्पर यानी उसके चिड़चिड़े व्यवहार को भी बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लॉस्ट लॉन्ग परंतु जो पैसा ग्रेफिन ने चुराया था चुराया हुआ पैसा था डिड नॉट लॉस्ट लॉन्ग ज्यादा समय नहीं चला एंड प्रेजेंटली ग्रेफिन हैड टू एडमिट दैट और ग्रेफिन को ये मानना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश क्या उसके पास पैसा नहीं था ही प्रीटेंडेड उसने उस लैंड लेडी लैंडलॉर्ड्स वाइफ के सामने मतलब मिसेस हॉल के सामने प्रिटेंडेड यानी दिखावा किया हाउएवर हालांकि दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट उसे लग रहा था कि कोई चेक है मेरा जो जल्दी आने वाला है मतलब उसने ऐसा दिखावा किया लैंड लैंडलॉर्ड वाइफ यानी मिसेस हॉल के सामने कि जल्दी उसे चेक मिलने वाला है शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑफर्ड तभी अचानक एक बड़ा ही क्यूरियस एपिसोड यानी बड़ी ही विचित्र घटना हुई वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस बहुत जल्दी सुबह क्लर्जी मैन यहाँ पर मैंने दिया है ये चर्च के प्रीस्ट होते हैं जो फादर भी कहलाते हैं तो क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ और उनकी पत्नी वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस वो जाग गए कि कुछ शोर हुआ उससे इन द स्टडी रूम में क्रीपिंग डाउन स्टेयर धीरे धीरे वो सीने पर से उतरे दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी और उन्होंने सुनी खनखनाहट पैसों की बीइंग टेकन ऐसे जैसे ले जा रहा है कोई ले जा रहा हो फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क जो डेस्क थी क्लर्जी मैन की उस डेस्क से चुरा करके विदाउट मेकिंग एनी नॉइज बिना कोई शोर किए एंड विद अ पोकर ग्राव्स फर्मली इन हिज हैंड और अपने हाथ में पोकर एक छड़ होती है जिससे आग को ऊपर नीचे किया जाता है जनरली तो
पॉकर लेकर के जिसे बड़े ग्रैप्ड करके फर्मली पकड़ा हुआ था इन हिज हैंड उन्होंने द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। क्लर्जीमैन ने चल मतलब बहुत तेजी से दरवाजा खोला और कहा सरेंडर। और क्या कहा उन्होंने कि जो भी है सरेंडर कर दो, सरेंडर मतलब समर्पण कर दो। आगे देखिए देन टू हिज अमेजमेंट वह चौक जाता है यह देखकर he realized that the room appeared to be empty. उसे पता चला यह देखकर वो चौंक जाता है कि रूम तो पूरा खाली है। He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा and behind the curtains और पर्दों के पीछे देखा and even up the chimney और चिमनी के ऊपर भी देखा। There was not sign of anybody. परंतु वहाँ किसी का कोई चिन्ह ही नहीं समझ में आ रहा था। Yet the desk had been opened. फिर भी ऐसा समझ में आया कि द डेस्क हैड बीन ओपन यानी जो डेस्क थी वो खोली गई थी एंड द हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग और हाउसकीपिंग मनी वहां से गायब था। हाउसकीपिंग मनी कहलाता वो पैसा जो खर्च घर के खर्च को चलाने के लिए लोग ऊपर रखे रहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। बड़ी अनोखी घटना। The clergyman kept saying, कहता रहा दिन भर for the rest of the day, पूरे दिन कहता रहा लोगों से बड़ी ही विचित्र और अनोखी घटना हो गई भैया हमारे साथ। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. परंतु it was not as extraordinary, परंतु ये उतनी अनोखी नहीं थी as the behavior of Mrs. Hall's furniture जितना व्यवहार था मिसेस हॉल्स के फर्नीचर का अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग उसी सुबह थोड़ी देर पहले। देखिए क्या हुआ। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली और जो लैंडलॉर्ड थे और उनकी पत्नी थी बहुत जल्दी सुबह उठ गए एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। वो बड़े आश्चर्यचकित रह गए ये देख करके कि साइंटिस्ट यानी जो ग्रेफिन था जिसने वो रूम लिया था उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। Usually it was shut and locked और हमेशा की तरह ये बंद और locked हुआ करता था लेकिन वो खुला हुआ था। And he was furious if anyone entered his room. And he was furious वो तो बड़ा ही गुस्से वाला था। If anyone entered his room यदि कोई उसके कमरे में घुसे तब। The opportunity seemed too good to be missed और जो अवसर था seemed ऐसा प्रतीत हुआ too good to be missed इतना अच्छा था कि उसे मिस नहीं किया जा सकता था। They peeped around the door. उन्होंने दरवाजे से झांक कर देखा। Saw nobody. उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। And decided to investigate. उन्होंने तय किया कि आप अपन देखते हैं, जांच करते हैं कि अंदर कौन। The bed cloths were cold. जो कपड़े बिछे हुए थे बिस्तर पर वो ठंडे थे। Showing that the scientist must have been up for some time. ये दिखा रहा था कि जो साइंटिस्ट था वो थोड़ी देर पहले उठा होगा। And stranger still the cloths and bandages that he always wore were laying about the room. And stranger still the cloths और वो कपड़े and bandages और वो पट्टियाँ जो वो लपेटे रखता था सिर के ऊपर that he always wore वो जो हमेशा पहनता था were laying वो पड़ी हुई थी about the room यानि कमरे में यहाँ वहाँ। All of sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. तभी मिसेस हॉल ने एक स्निफ, स्निफ का अर्थ है भनक, मतलब छोटी सी आवाज उनके कानों के पास पहुंची। A moment later, the hat on the bed was leaped up and dashed itself into her face. और तभी एक क्षण में एक टोपी जो थी on the bed post होते हैं जो हमारे चारपाई या पलंग होते हैं उसमें जो पाए लगे रहते हैं उस पर एक हैट टंगा हुआ था। लीप्ड अप वो वहां से आया एंड डैश्ड और डायरेक्ट लगा इटसेल्फ इनटू हर फेस। किसके फेस पर? मिसेस हॉल के फेस पर। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव और जो बेडरूम में चेयर रखी थी वो जिंदा सी हो गई। अलाइव मतलब जीवित सी हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट और उछलती हुई हवा में वो आई। It charged straight और सीधी आकर के उनके जो पैर थे सामने वाले पैर थे जो कुर्सी के वो आके लगे मिसेस हॉल को। As
सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और जैसे ही बड़े डर करके वह और उनके जो पति थे वो मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, और वो अनोखी जो कुर्सी थी पुश्ड देम, उन दोनों को धक्का दे दिया, बोथ यानी दोनों को आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर, एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और दरवाजा स्लैम, स्लैम मतलब होता है दरवाजे को भड़क कर बंद करना, जोर से बंद करना, होता है स्लैम, ठीक है, तो जम करके जोर से दरवाजा भड़क कर बंद हो गया, एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके बाद उन्होंने देखा कि डोर जो था कमरे का वो भी बंद हो गया। यहाँ वर्ड जो हिस्टेरिक आया है वो हम आगे वाले